नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की माइलेज के बारे में। आप सबके साथ शेयर करेंगे इसका माइलेज का एक्सपीरियंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 काम आपको करना है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मारुति सुजुकी ने अपनी विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है, और हर मामले में ये गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी है, चाहे वो बात हो डिज़ाइन की, स्पेस की, फीचर्स की। हर मामले में ये गाड़ी जो है वो लोगों को पसंद आ रही है, और ऐसे में हमने भी इस गाड़ी का जो है टेस्ट ड्राइव रिव्यू किया, इसकी माइलेज टेस्ट की, इसका स्पीड टेस्ट किया, ब्रेक्स टेस्ट की। और अगर आपको इसकी टेस्ट ड्राइव रिव्यू चाहिए और टेस्ट ड्राइव रिव्यू का वीडियो देखना है और एक्सीलरेशन टेस्ट का वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने इस गाड़ी की जो माइलेज भी टेस्ट की, हमने सिटी के केस में अलग माइलेज टेस्ट की और हाईवे के केस में अलग माइलेज टेस्ट की। तो जब हमने इस गाड़ी का स्पीड टेस्ट किया, एक्सीलरेशन टेस्ट किया और सिटी में ड्राइव किया इस गाड़ी को, तब हमें जो माइलेज मिली इस गाड़ी से वो है 11.9 KMPL की, यानी कि लगभग 12 KMPL की माइलेज हमें इस गाड़ी ने दी जब हमने इस गाड़ी के साथ जो है एक्सीलरेशन टेस्ट किया और ब्रेक्स टेस्ट की। और वहीं अगर हम बात करें, जब हमने इस गाड़ी के मीटर को दोबारा से रीसेट किया और हाईवे पर ड्राइव किया बड़े स्मूथ तरीके से, जब हमने इस गाड़ी को हाईवे पर चलाया 80 की स्पीड के आसपास और 2000 के RPM के आसपास, तब हमें जो इस गाड़ी ने माइलेज शो की वो है 16.3 KMPL की माइलेज, जैसे कि आप सब मीटर में देख रहे होंगे। तो ये माइलेज हमें तब मिली जब हमने इस गाड़ी को 80 to 90 की स्पीड पे चलाया और 2000 की RPM के आसपास चलाया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर आप सिटी में ब्रेजा को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बड़ा ही ईजिली जो है वो 12 to 13 KMPL की माइलेज जो मिल जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें हाईवेज़ की, तो हाईवे पे ये गाड़ी जो है अगर आप अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से गाड़ी को चलाते हैं 80 की स्पीड के आसपास, 80 to 90 और 2000 RPM के आसपास, तो बड़े ही प्यार से आपको 16 to 17 KMPL की माइलेज जो है वो इस गाड़ी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी ब्रेजा पेट्रोल की माइलेज, और आपकी क्या राय है इसकी माइलेज को लेके, आपको ये माइलेज जो है वो कम लगी या ज़्यादा लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर अगर आप ब्रेजा पेट्रोल के ओनर हैं तो भी आप अपनी माइलेज का फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो लोग ब्रेजा पेट्रोल को ख़रीदना चाहते हैं और इसकी माइलेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो ये था ब्रेजा पेट्रोल की माइलेज का एक्सपीरियंस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।